दोस्तों आज मैं इस वीडियो में तीन बातें बताऊंगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब रेस देते हैं तो इंजन का ये रेस छोड़ने पर इंजन का आरपीएम कम नहीं होता जल्दी से, एक वो चीज़ है। और दूसरी ये होती है कि जब हैंडल को मोड़ते हैं तो इंजन का स्पीड बढ़ जाता है और सीधा करते हैं तो स्पीड घट जाता है। और तीसरा ये है कि ये एक्सीलेटर भारी लगना। ठीक है दोस्तों, तो तीनों चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इंजन का जो स्पीड अचानक बढ़ जाता है इस तरीके से हैंडल करने पर, अचानक बढ़ जाती है और सीधा करते हैं तो ठीक हो जाती है। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो एक्सीलेटर का प्ले होता है, ये प्ले ख़त्म हो जाता है आपके बाइक का, इसीलिए ये समस्या आती है। जब हैंडल को हम मोड़ते हैं तो इस तरीके से मोड़ने पर और भी ज़्यादा ये केबल खींचा जाता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आपकी बाइक में ये अगर समस्या आती है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ये जो एक्सीलेटर है ये प्ले रहना चाहिए, इतना प्ले रहना चाहिए कम से कम। और बहुत में क्या होता है, बहुत कम प्ले रहता है जो हैंडल मोड़ने पर आवाज़ करती है, इंजन आरपीएम बढ़ जाता है। तो ऐसे में दो समस्या आती है दोस्तों, एक तो केबल छोटा हो जाना, यानी कि केबल छोटा किस तरीके से होता है ये भी आपको बता दे रहा हूँ। बहुत बाइक का ऐसा होता है कि बाइक बहुत कम यूज होता है, बाइक खड़ी ज़्यादा रहती है और चलाते कम है। बाहर में रहने वाले, दिल्ली बम्बई में रहने वाले, और बाइक खड़ी रहती है इस तरीके से, बाइक कम चलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसका जो केबल होता है दोस्तों, अंदर में तार जैसे ये जो स्प्रिंग जैसा केबल होता है और इसमें गांठे गांठे बन जाती है, जंग लग के गांठे गांठे बन जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि केबल का जो अंदर का जो वायर होता है वो आकार छोटा हो जाता है और केबल बड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से ये गैपिंग बंद हो जाती है और ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इस केबल को चेंज करना चाहिए, या फिर आपको ये जो यहाँ से एडजस्टर के लिए दिया गया है, इस एडजस्टर को लूज करके आप यहाँ से इसे आप खोल के इसे वापस ऐसे टाइट करेंगे तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत सुधार आएगी, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप इस केबल को चेंज कर देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से केबल टूट जाता है, हैंडल मोड़ते मोड़ते यहाँ से टूट जाता है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केबल टूटा हुआ है। तो ये सारी समस्या आती है दोस्तों इससे। और दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंजन जब हम स्टार्ट करते हैं और जब एक्सेलेटर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जल्दी से आरपीएम कम नहीं होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो ऐसे हालात में दो समस्या पाई जाती है, एक समस्या इस केबल का हुआ, केबल जाम चलना, जैसे कि अभी यहाँ पे कटा हुआ है, ये केबल कटा हुआ है तो इस जगह क्या होता है कि बार बार अटकता है, अंदर का जो वायर होता है, तार जो होता है वो अटकता है, तो इसके वजह से भी होती है। अगर ये चीज़ें आपकी बाइक में ये केबल सही है और इस तरह की समस्या अगर आती है दोस्तों, तो ऐसे में आपको दूसरा काम करना चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि यहाँ पर ये जो स्लाइड होता है, इस स्लाइड को आप खोल लें, इस तरीके से आप खोल लें। आपको इतना सारी चीज़ें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने इसका बाइक का सर्विस किया इसलिए मैंने सारी चीज़ खोला है। तो इस तरीके से आप पूरा स्लाइड को खोल लेंगे, आप इधर से हाथ लगा सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की अगर समस्या आती है दोस्तों तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेस लेने पर और छोड़ने पर जब इंजन का स्पीड जल्दी से कम नहीं होता है तो आपको ये जो स्लाइड है दोस्तों, इसमें आप देखना कि इसमें ये गंदा होगा आपका, जैसे कि काला कालापन यहाँ देख सकते हैं, धब्बा धब्बा ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या होता है थोड़ा गंदगी सी इसमें जम जाती है। इन्हीं की वजह से क्या होता है, ये एक्सीलेटर पूरी तरीके से फिनिशिंग बैठ नहीं पाता है इसके अंदर और ये जल्दी स्पीड को कम नहीं कर पाता है और ये धीरे धीरे आपका नीचे आता है। वहाँ से केबल तो आप ठीक खींच पा रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सीलेटर पिस्टन है, ये स्लाइड पिस्टन, ये सही से ऊपर नीचे वर्क नहीं करता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसको पेट्रोल लें और पेट्रोल से इसको इस तरीके से सफाई करें। तो अगर धूल मिट्टी आपके पास है या फिर पतले वाले सरेस है तो पतले वाले सरेस से हल्का हल्का इसमें मारें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोटा वाला सरेस ना लें, और सरेस इस तरीके से हो, अगर पतला सरेस भी लेते हैं तो उसको पहले ज़मीन पे घस लें, बिल्कुल भी उसमें धार नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी धार नहीं होना चाहिए। अगर इसमें स्क्रेच आ जाएगी तो इसमें और भी समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अब तीसरी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब तीसरी बात है दोस्तों ये है, अगर आपके बाइक में माइलेज की समस्या है और आप बहुत ट्यूनिंग कर चुके हैं, यहाँ से एयर स्क्रू को बहुत बार छेड़ चुके हैं और माइलेज बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो ऐसे हालात में एक्सीलेटर केबल का भी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि इससे पहले मैंने कहा आरपीएम जल्दी से ना घटना और हैंडल मोड़ने पर स्पीड बढ़ जाना, इस तरह की अगर समस्या आती है दोस्तों तो आपकी बाइक की माइलेज प्रॉब्लम होगी, माइलेज बिल्कुल भी बाइक नहीं देगी। ऐसे हालात में आपको ये एक्सीलेटर केबल चेंज करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस एक्सीलेटर केबल को चेंज कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है, कैसे बदलना है इसको। तो वहाँ से मैंने ये एक्सीलेटर को तो खोल दिया, मैंने यहाँ से एक्सीलेटर के पिस्टन को मैंने खोल दिया है, स्लाइड पिस्टन को। अब इसको किस तरीके से निकालना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपको स्टार वाले पेज कैसे खोल लेना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये स्लाइड पिस्टन को खोलना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस बोल्ट को खोलना है।
अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम इस तरफ घुमाएंगे इसको, और यहाँ पे ये खुल चुका है। अब हम स्लाइड को खोलेंगे। स्लाइड को खोलने के लिए हमें इस तरीके से पहले स्प्रिंग को हम अंदर की ओर खींचना होगा, और फिर हम इस तार को पकड़ के रखेंगे, स्प्रिंग भी पकड़ेंगे और तार को भी पकड़ेंगे, और तार को हम आगे की ओर ले जाएंगे। देख सकते हैं इस तरीके आगे की ओर ले जाना है, फिर इस सुराख में ले आके हम इधर से निकाल लेंगे। देखिए अब स्प्रिंग को निकाल लेना है और इसे भी निकाल लेना है, फिर केबल को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये दोस्तों हम केबल जो लगा रहे हैं ये सुपराजित कंपनी का लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये सुपराजित बहुत ही अच्छा कंपनी होता है और ये बिल्कुल जेन्युइन होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर, स्प्लेंडर प्रो, ये सभी बाइक में ये केबल लग जाती है। इसका MRP है 83 रुपीज़। ये बिल्कुल जेन्युइन है, आप अगर हीरो लगाते हैं तो हीरो लगा सकते हैं, अगर उसे नहीं लगाएंगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने खोला उसी प्रकार हमें पहले यहीं से शुरू करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं, आप चाहे तो इससे पहले आप एक्सेलेटर यहाँ से स्लाइड को भी लगा सकते हैं, उसके बाद वो चीज़ लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना ये है कि इस स्लाइड को लगाते समय आपको ये कट वाला जो बड़ा कट वाला निशान होता है आपको इसे उधर लगाना है जहाँ पे ये RPM स्क्रू होता है। जैसे कि RPM स्क्रू इधर है इस तरफ, तो इधर ही लगाना है। जैसे कि पूरा कटा हुआ जो होता है वो हमें पल्ले साइड लगाना है। अब इसे लगाते समय आपको ये ध्यान देना है, ये बिल्कुल ये जो एक्सेलेटर है ये स्लाइड ये बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। अगर ये फ्री नहीं रहेगा तो फिर वो समस्या आएगी जो मैंने इससे पहले बताया आपको। अगर ये खुल जाता है बाहर तो इसे दोबारा आप लगा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये केबल से फ्री रहता है। ये एडजस्ट के लिए दिया गया है, अगर आपका एक्सेलेटर ज़्यादा फ्री है, ज़्यादा पले है, तो आप यहाँ से एडजस्टिंग कर सकते हैं। इस मुट्ठी को लगाने से पहले आपको थोड़ा इसमें ऑयल भी डाल देना है, क्योंकि ये भी सूखने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आती है, एक्सेलेटर भारी लगता है खींचने में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एक्सेलेटर ज़्यादा पले नहीं है, ये भारी है, तो हम क्या करेंगे इसको और टाइट करेंगे। यहाँ से जो केबल है ये केबल यहाँ अंदर की ओर भी और थोड़ा जाना था, इसीलिए ये समस्या आ रही थी। और अब ये देखिए अब हमें और इसे लूज करना होगा।
तो इसको लगाने के बाद आपको इस तरीके से ये लॉक जो होता है इसके अंदर, ये लॉक इस सुराख में आती है, हम इस तरीके से लगा देंगे। ये लॉक सुराख में आने पर ये बीच में इस तरीके से अटक जाता है और फिर इसे टाइट कर दीजिए। अभी 14 नंबर नट को हमें टाइट कर देना है, जोर से टाइट नहीं करना है क्योंकि प्लास्टिक होता है दोस्तों। यहाँ से आप एडजस्ट कर लीजिए कि इसका प्ले कितना रखना है, तो ये सही है बिल्कुल। तो इस तरीके से दोस्तों इसके साथ जो भी समस्या आती है इसे चेंज करके आप सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, तो इसी तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो से फायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आप देखेंगे कि इस बाइक का पूरा वायरिंग किस तरीके से काम करता है। ठीक है, वीडियो का इंतजार कीजिए।